हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नए लोग हाल फिलहाल में हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन सभी लोगों का भी हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने मुझे कई बार कहा है कि मैं अपनी मॉर्निंग में उठने से लेकर दिन भर में जो भी एक्टिविटीज़ करती हूँ वह सारी रूटीन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो बस आज आप लोगों के ही कहने पर मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई रियली होप कि आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आए और आप लोग इस व्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दें। अभी मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं और मैं जस्ट नहाकर रेडी होकर नीचे किचन में आई हूँ। किचन में नीचे आप जो ये सारा सामान देख रहे हो, ये सारी चीज़ें कल इनके डैडी कॉस्को और वॉलमार्ट से ले आए हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम हमेशा कॉस्को में डील लगने पर बल्क में ही लाते हैं, क्योंकि फिर 3-4 महीने तक कॉस्को में उन चीज़ों पर कोई डील नहीं लगती है। खैर, हमने कुछ सब्जियां और फल 2-3 हफ्ते के लिए एडवांस में ले ली है। वैसे भी आजकल बाहर पब्लिक प्लेस में जाना इतना सेफ नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि कम से कम 2-3 हफ्ते की ही सही ग्रोसरीज ले लेते हैं। दूध, दही और फ्रोजन सब्जियाँ मैंने कल ही फ्रिज में रख दी है। बाकी का सारा सामान फिलहाल यहीं किचन में साइड में लगा दिया है। अब बस लंच बनाने के बाद बाकी का सारा सामान भी मैं पैंट्री या उनकी सही जगह पर रख दूंगी। ये काले चने मैंने कल रात में ही अभी बनाने के लिए भिगोकर रख दिए थे। वैसे आप लोगों में से कई लोग ऑलरेडी जानते हो कि स्मैन को बॉईल किए हुए काले चने खाना कितना पसंद है, इसीलिए चने और बीन्स में स्मैन के लिए मोर फ्रिक्वेंटली बना लेती हूँ। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। ये मैंने गैस स्टोव के लिए सेफ्टी लॉक्स मंगवाए हैं, जिससे कि बच्चे मेरे ना रहने पर या मेरी गैर मौजूदगी में गैस ऑन ना कर पाएँ। तो अगर आप भी इस तरह के गैस स्टोव यूज़ करते हो तो इस तरह के लॉक्स ऑनलाइन या स्टोर में मिल जाते हैं, तो उन्हें लाकर अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए ज़रूर लगाएँ। पीने के लिए पानी यहाँ मैंने स्टोव पे गर्म कर लिया है, जिसे मैं बच्चों की बॉटल्स और हमारे लिए स्टोर कर रही हूँ। वैसे भी बच्चे अभी थोड़ी देर में सोकर उठ जाएंगे और फिर उठने के बाद मॉर्निंग में मैं उन्हें सबसे पहले गर्म पानी ही आजकल पिला रही हूँ, इसलिए पहले ही पानी गर्म करके रख लिया है। लंच के लिए यहाँ मैं आलू गोभी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो मैं रोज़ इस समय लंच नहीं बनाती हूँ, इस समय मोस्टली ब्रेकफास्ट ही बनता है, क्योंकि इनके डैडी लंच के समय घर आ जाते हैं। लेकिन जब से आयांश के स्कूल बंद हुए हैं तब से ये लंच बॉक्स साथ ही ले जा रहे हैं, इसीलिए आजकल मेरी मॉर्निंग की रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है। लेकिन कुछ महीनों बाद जब आयांश इस साल से केजी में जाएगा तब मेरी रूटीन यही होगी, क्योंकि उस समय आयांश और आयांश के डैडी लंच साथ में ही ले जाया करेंगे। सब्जी बनाने के लिए सब्जियों के छिलके निकालकर मैंने उन्हें अच्छी तरह धो लिया है, और कुकिंग के समय साथ में जो भी बर्तन निकलते हैं उन्हें भी मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ, वरना एक साथ बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह काम करते करते टाइम बहुत ही जल्दी निकल जाता है, ऑलरेडी 7 बजने आए हैं, बाहर पूरी तरह से दिन निकल गया है। वैसे इस घर की एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ किचन और लिविंग रूम में काफ़ी खिड़कियाँ हैं, जिससे पूरे दिन घर में काफ़ी उजाला रहता है। इवन सर्दियों में भी घर में बहुत ही अच्छी धूप आती है। यहाँ मैं अपने आलू गोभी की सब्जी में तड़का लगा रही हूँ। अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग में राजमा बनाने की रेसिपी अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि आज भी मैं सेम उसी तरीके से अपने सब्जी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, और सब्जी के लिए क्विक मसाला बनाने की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट व्लॉग में शेयर की है। तो रेसिपी डिटेल में जानने के लिए लास्ट व्लॉग ज़रूर देखें। सब्जी के साथ साथ यहाँ मैंने चाय बनने के लिए भी रख दिया है, और यहाँ सब्जी का मसाला बन के तैयार है। अब मसाले में मैं यहाँ अच्छी तरह धुली हुई आलू और गोभी साथ में डालकर 2 से 3 मिनट तक सब्जियों को मसालों में भून लूँगी। आलू या गोभी बनाते समय मैं सब्जियों को पहले ऑयल में डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करती हूँ। मोस्टली ट्राई करती हूँ कि हम डीप फ्राई चीज़ें कम ही खाएं। अब धीरे धीरे धीमी आँच पर ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। लीजिए, यहाँ स्मैन भी सोकर उठ गया है और यहाँ वो मुझसे मसालों के लिए जिद कर रहा है, जो कि मैंने किचन काउंटर पर रखे हैं। यहाँ उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने उसे 2-3 कलरफुल कच्चे पापड़ दिए हैं, क्योंकि बिना कुछ लिए वो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगा। फिलहाल स्मैन खेलने में बिजी है,
जब तक वो खेल रहा है मैं उसके लिए क्विक मॉर्निंग स्नैक्स रेडी कर रही हूँ। स्मैन के लिए चने में बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बस घी में जीरा और हींग से तड़का लगाना है और फिर चने में नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ और इस तरह से बने हुए चने स्मैन बड़े पसंद से खा लेता है। लीजिए यहाँ हमारे चने और चाय बनकर रेडी है। अब बस मैं मेरे और इनके डैडी के लिए चाय निकाल कर स्मैन का भी ब्रेकफास्ट निकाल देती हूँ। यहाँ स्मैन को आज मैंने ब्रेकफास्ट में स्ट्रॉबेरी, चीज़ और चने ऑफ़र किए हैं और साथ में टीवी लगा दिया है ताकि वह एक जगह बैठकर खा ले और किचन में ज़्यादा ना आए, क्योंकि आयांश अभी तक सोया है, वरना तो दोनों बच्चे आपस में खेल लेते हैं। हमारी आलू गोभी की सब्जी बनकर रेडी है, जिसे मैंने लंच बॉक्स में रख दिया है। सब्जी के साथ यहाँ मैंने पराठे बनाकर भी तैयार कर लिए हैं। लंच बॉक्स के लिए पराठे में पहले एल्युमिनियम फॉल में रख दिया करती थी, बट अब तो पेपर टॉवल ही यूज करती हूँ। पेपर टॉवल एक्स्ट्रा ऑयल भी ऑब्जर्व कर लेते हैं और एल्युमिनियम फॉल के हिसाब से वो काफ़ी सेफ होते हैं, और वैसे भी रूम टेम्परेचर पर पराठे थोड़ी देर तक वार्म और सॉफ्ट बने रहते हैं। यहाँ मैंने इनके डैडी के लिए लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया है। सब्जी और पराठों के साथ लंच बॉक्स में मैंने चने, कोकोनट वाटर और एक फ्लेवर्ड योगर्ट भी रख दिया है, जिसे मैं ब्राउन पेपर में पैक कर रही हूँ। मॉर्निंग के अराउंड 9 बज गए हैं, इनके डैडी ऑफिस चले गए और अब अयांश भी सोकर उठ गया है। फिलहाल मैंने दोनों बच्चों को नहलाकर उन्हें पूरे दिन के लिए रेडी कर लिया है। दोनों बच्चों को मैंने उनकी मॉर्निंग की मिल्क दे दी है और जब तक बच्चे मिल्क पियेंगे मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। वैसे स्मैन ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है और अयांश को चने खाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अयांश के लिए पराठे बना रही हूँ। आटा मैंने ऑलरेडी गूंद के रख लिया था क्योंकि इनके डैडी के लिए मुझे वैसे भी पराठे बनाने ही थे। अयांश के लिए आज मैं अलसी के मीठे पराठे बना रही हूँ, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून अलसी का पाउडर लिया है, जिसे आप घर में ही अलसी को भूनकर मिक्सर में पीस उसका पाउडर बना सकते हो। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून कोकोनट यानी कि सूखे नारियल का पाउडर भी लिया है, जिसे आप अलसी की तरह ही घर में नारियल को पीस के बना ले। अब दोनों को एक कटोरी में मिक्स कर उसमें आधे से लेकर 1 चम्मच तक देसी गुड़ डालकर तीनों को अच्छी तरह मिला ले। मैंने यहाँ तकरीबन 1 चम्मच देसी गुड़ लिया है। अब आप चाहो तो इस मिक्सचर में चुटकी भर इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। जी लीजिए, अलसी, नारियल और गुड़ को मिक्स कर मीठे पराठे बनाने के लिए आपकी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब इन्हें जैसे हम बाकी के पराठे बनाते हैं उसी तरह भरकर पराठे बनाकर तैयार करना है। पराठों को दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन चित्ते आने तक अच्छी तरह सेकना है। स्टफिंग को अच्छी तरह भरोगे और अगर आपकी बनाई हुई स्टफिंग बेलते समय पराठों से बाहर नहीं निकलेगी तो आपके पराठे सेकते समय अच्छी तरह फूलेंगे। जब पराठे फूल जाए पराठों में घी जरूर लगाना। ये पराठे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं और इतने स्टफिंग से आप 2 से 3 पराठे आसानी से बना सकते हो। अलसी के पराठे मोस्टली विंटर में खाए जाते हैं ताकि बॉडी अंदर से वार्म रहे। अगर बच्चे को कोल्ड या फीवर हो तो ये पराठे बच्चे को ज़रूर बनाकर खिलाएं। इस पराठे को नमकीन भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आपके साथ अलसी के नमकीन पराठे की भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। पराठे बनाकर मैंने दोनों बच्चों को पराठे खिला दिया है। खेल खेल में आयांश के साथ स्मैन ने भी आधा पराठा खा लिया है। बच्चों को खिलाकर यहाँ चाय के साथ मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मोस्टली मैं दिन में 10 से 11 बजे के बीच ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और यही मेरा लंच भी है, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा इवनिंग में खाना खाऊंगी। ये वो सामान है जो इनके डैडी कल कॉस्को से लाए थे। आजकल बच्चों को लेकर मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। वहाँ से हमने ये 4 बॉक्स पीडियाश्योर के लिए है, क्योंकि हर 3 या 4 महीने में एक बार कॉस्को में पीडियाश्योर पर काफ़ी अच्छी डील लगती है। ऑलमोस्ट एक बॉक्स पर $7 to $8 ऑफ होते हैं और अयांश को एवरीडे पीडियाश्योर मिल्क पीना पसंद है, इसलिए हम 3-4 महीनों के साथ ही ले आते हैं। मुझे कमेंट के थ्रू किसी ने राइस और शुगर के बारे में पूछा था, तो हम रॉयल बासमती राइस और ये शुगर यूज़ करते हैं। ये टूथपेस्ट बच्चों के लिए है, बच्चे यही यूज़ करते हैं। साथ ही वहाँ से हम कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड के साथ स्मैन के डायपर एंड वाइप्स और कुछ क्लीनिंग के स्टफ़ लाए हैं, जिन्हें मैं फ़िलहाल उनके सही जगह पर रख रही हूँ। आई थिंक सो एमरजेंसी के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी है। मुझे पूरा यकीन है कि समर आते आते यानी अप्रैल या मई तक
ये सारा वायरस से भरा माहौल ख़त्म हो जाएगा। इवन आपकी तरह मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस वायरस की वैक्सीन मिल जाए, ताकि हम लोग भी बिना किसी डर के फ्री होकर बच्चों के साथ कहीं भी कभी भी जा सकें। बस तब तक आप अपना और अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें, और जहाँ तक हो सके बाहर लोगों के बीच आना जाना कम करें। बहुत ज़रूरी है तो ही बाहर जाएं, हाइजीन का पूरा ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। ये दोनों बच्चे मुझे बिल्कुल भी क्लीनिंग करने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैंने दोनों को फ़िलहाल ऑरेंज खाने के लिए दिया है और साथ में थोड़ी देर के लिए टीवी लगा दिया है, ताकि बच्चे एक जगह पर बैठ जाएं। कमेंट के थ्रू मुझे आप में से ही किसी ने स्टील के बर्तन के बारे में पूछा है। ये बर्तन मैंने कॉस्को से ली है, ब्रांड का नाम मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ, आप देख ले। इसके बॉटम में फूड बिल्कुल भी नहीं लगते या जलते हैं, और इस स्टील के स्क्रब के साथ इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है। वैसे इस पॉट को लेने से पहले मैंने इसके रिव्यू चेक नहीं किए थे, बस मैं हैवी बॉटम वाले स्टील के बर्तन ढूंढ रही थी, जो कि मुझे कॉस्को से मिल गया तो मैंने वहीं से ले लिया। मेरे ख्याल से आपको स्टील के कुकवेयर्स किसी भी बड़े ब्रांड के या नाम के लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास के दुकानों या मॉल्स में जाकर हैवी बॉटम वाले स्टील के बर्तन ले, उसमें फूड स्लो टू मीडियम आँच पर बनाएं और बर्तन को मेटल के स्क्रब से क्लीन करें, आपके बर्तन की मेंटेनेंस अच्छी ही होगी। यहाँ मैं अपने सारे फ्रूट्स और सब्जियों को गर्म पानी में भिगाकर अच्छी तरह धोकर एक सूखे कपड़े से ड्राई कर बास्केट में रख रही हूँ। ये सारे बास्केट में फ्रिज में रखने वाली हूँ। फ्रूट्स में धोकर इसलिए रखती हूँ क्योंकि अब मेरे दोनों बच्चे अपने हाथ से फ्रूट्स फ्रिज में से निकाल लेते हैं, तो अगर मैं फ्रूट्स धोकर नहीं रखूंगी तो बच्चे बिना धोए ही फ्रूट्स खा लेंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। बस इसीलिए यहाँ मैं फ्रूट्स और सब्जियाँ धोकर रख रही हूँ। फिलहाल मैंने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रिज में रख दिए हैं। गाजर और हरा धनिया मैंने ब्राउन पेपर में रखा है। ब्राउन पेपर में हरी सब्जियां ताज़ी बनी रहती है, इसलिए मोस्टली सब्जियां ब्राउन पेपर में रखना ही प्रेफर करती हूँ। चीज़ से रिलेटेड मुझे आप लोगों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेरे बच्चे मोस्टली इस ब्रांड के चीज़ स्लाइस खाना पसंद करते हैं, आई थिंक सो ये चेडार चीज़ स्लाइसेस है। साथ ही एक बास्केट में मैंने सारे ब्रेड्स रख दिए हैं, और मेरे फैमिली में सभी लोगों को फ्लेवर्ड योगर्ट खाना बहुत पसंद है, इसलिए हमारे घर में आपको हमेशा योगर्ट मिल ही जाएंगे। सारा सामान मैंने अच्छी तरह सही जगह पर रखकर किचन काउंटर को भी अच्छी तरह वाइप कर लिया है। अब बस मुझे मॉपिंग करना है, इसके बाद मेरा सारा किचन का काम हो जाएगा। फिलहाल दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इसके बाद तकरीबन 1 बजे तक मैं बच्चों को लंच करा दूंगी। मॉर्निंग में उठने से लेकर लंच करने तक घर में बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली किचन में। एक बार किचन का काम हो जाता है तो घर के 50% तक काम अपने आप कम हो जाते हैं। लंच के बाद मैं मोस्टली बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ, वैसे भी इसके बाद घर में ज़्यादा काम नहीं होता है। बस मुझे बेडरूम क्लीन करना, लॉन्ड्री और वैक्यूम करना होता है, जो बच्चों के साथ खेल खेल में हो जाता है। वैसे भी घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, आप जितना करो उतना ही कम है। बट लंच के बाद मैं मोस्टली बच्चों को एक्टिविटीज़ कराती हूँ, स्पेशली आयांश को। नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आपके साथ आयांश की रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी, और जिन क्वेश्चन का आंसर मैं अपने कॉमेंट या इस व्लॉग में नहीं दे पाई हूँ, वह सारे आंसर मैं धीरे धीरे अपने व्लॉग के थ्रू या कॉमेंट के थ्रू देने की पूरी कोशिश करूँगी। बस इसी के साथ आज का ये हमारा व्लॉग एंड होता है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और आप लोगों में से कई लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, दोनों की आईडी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।